नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद के रौनापुर थाना क्षेत्र के रोहवार पैतौली मार्ग पर बदमाशों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि शुक्रवार की शाम 4 बजे जियापुर थाना क्षेत्र के लाठघाट बाजार निवासी सूर्यांश चौरसिया उर्फ छोटू पुत्र हरि प्रकाश 23 वर्षीय व अभिषेक पुत्र प्रमोद उम्र 22 वर्षीय विशाल पुत्र रामाश्रय के साथ मोटरसाइकिल से मसूरियापुर बाइक से घर लाठघाट वापस आ रहे थे। रौना पार्क मार्ग पर रोमवार पैदौली अम्बेडकर मूर्ति के पास अज्ञात बाइक बदमाशों ने पीछे से गोली मार दी। गोली सूर्यांश की पीठ पर लगी जो सीने में जाकर फंस गई है। वहीं अभिषेक पुत्र प्रमोद की बाह में गोली लगी है। गोली लगने से घायल सूर्यांश व अभिषेक को आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने रौना पार्क ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रिफर कर दिया। घटना के बाद बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। कल दिनांक 21 जून 2024 को थाना रौनापार पर समय शाम 4 बजे लगभग यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर अपने दोस्तों के साथ जा रहा था को 3 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर सवार थे द्वारा गोली मार दी गई है और उनकी मोटरसाइकिल को लेकर चले गए हैं। जिस सूचना पर तत्काल थाना रौनापार की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर घायल व्यक्ति को उपचार हेतु जिला सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। उसके पीठ पर गोली लगी थी जिस गोली को निकलवा दिया गया है और व्यक्ति की हालत सामान्य है। इसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया अंतर्गत धारा 307 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में। विवेचना के क्रम में हम लोगों द्वारा सीसीटीवी फुटेज को जो आसपास के क्षेत्र के लोग थे जहां पे मौजूद थे उनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और इस मामले में यह भी बात संज्ञान में आई है कि पीड़ित व्यक्ति की ट्रेलर के संबंध में वाद विवाद हुआ था जिसके कारण उसको आशंका है कि उसी वाद विवाद के कारण मेरे को गोली मारी गई है। इन सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। जांच के आधार पर जो साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर गिरफ्तारी कर सुनिश्चित की जाएगी। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।